हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के बहुत सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारा नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ पर है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि डी होगा, पाम ऑफ हैंड, हाथ के हथेली पर सबसे ज़्यादा जो कि स्वेट ग्लैंड होती है यानी कि पसीने की ग्रंथि होती है। इसमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय, टीकाकरण पद्धति किनके द्वारा शुरू किया गया था, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, एडवर्ड जेनर ने, इनका नाम आपको याद रखना है। मेंशन द सोर्स ऑफ मिल्क, एग, यक एंड फिश लिवर ऑयल। दूध, अंडे के जर्दी और फिश लिवर ऑयल में कौन सी विटामिन पाया जाता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, विटामिन डी, इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हार्ट जो कि हृदय किस मसल से बना है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, कार्डियक मसल, और हृदयरोग विशेषज्ञ को हम कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरगोविंद खुराना जी ने सर्च किसके ऊपर करा था, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि बी होगा, जेनेटिक कोड के ऊपर, इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि मनुष्य को मारने वाला कोरोना वायरस का नाम क्या है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो कि डी होगा, सार्स, ये एक भूल हो गया है, इसका SARS होगा, सार्स, और इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स है, इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, मतलब पाचन स्टार्ट होता है, इसका आंसर जो कि बी होगा, स्टोमक में। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टोमक में कौन सा एसिड सिक्रेट होता है, यानी कि स्टोमक कौन सा अम्ल खेरित करता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, HCl, और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेरोथालमिया को प्रिवेंट करने के लिए किस विटामिन का यूज करा जाता है, ये पहले समझिए। जेरोथालमिया जो कि इस रोग होने के कारण आँखों से आंसू नहीं निकलता है रोने के समय, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, ये सब विटामिनों के केमिकल नेम आपको याद रखना है। विटामिन ए का नाम केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, जो कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती है, आंसर कीजिए इसका। इसको क्यों सोल्जर कहा जाता है, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि वो बाहर से आने वाले रोगों को डिफेंस करता है, इसलिए उसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस जो रोग है वो किसके कारण होता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि ए होगा, वायरस, और वायरस के कारण किडनी में ये रोग होता है, इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए नामों में से कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए इसका। माल्टोज जो कि तो कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, तो बचा डी। डी जो कि ग्लाइसिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं, अमीनो एसिड है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन सा सटीक मैच नहीं है, इसका आंसर दीजिए।
इसका आंसर जो कि ए होगा, हीमोग्लोबिन स्किन। हीमोग्लोबिन तो रक्त में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि छूने से और उनके साथ खाने से ये डिजीज़ आपको हो सकती है। इसका आंसर जो कि सी होगा, मिजिल्स रोग। और मिजिल्स रोग को हम हिंदी में खसरा रोग कहते हैं। और ये जो स्कर्वी रोग है इसको हम पाजी रोग कहते हैं। और ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है दांतों में, इसको आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सटीक मैच नहीं है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि सी होगा, एनसेफेलाइटिस, जो कि हार्ट में नहीं मनुष्य के मस्तिष्क के एक रोग होता है, इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन 1 ग्राम पर हमको मिलता है, आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर जो कि इमेज में दिया गया है, इसका आंसर बी होगा, सोयाबीन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मशरूम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर कीजिए इसका। ए तो सही है, ये एक फंगस है, और बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका आंसर जो कि डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द हम मिलेंगे और एक नए वीडियो को लेकर। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि अटल टनल के ऊपर और करंट अफेयर्स जो कि सितंबर के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए थैंक यू।